व्हाट्स अप पीपल, इट्स मी हमज़ेन। यू आर वॉचिंग एचडी रिएक्ट्स। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, इन्जॉय कर रहे होंगे। और हम देखने वाले हैं एक ऐसा वीडियो जिसका टाइटल कुछ ऐसे है कि कॉपी कैट पाकिस्तान मेड तमाशा। सलमान खान का जो शो है बिग बॉस, उसकी कॉपी है। सेड तमाशा इज़ बेटर देन बिग बॉस। पहली बात तो ये कि ओरिजिनली जो शो है वो है बिग ब्रदर, और फिर जो है ना वो इंडिया में उसकी अडेप्शन है। मतलब सेम जो कंपनी जो स्पॉन्सर करती है बिग ब्रदर को, वही इंडिया में स्पॉन्सर कर रही होती है और मतलब प्रोडक्शन कर रही होती है। टाइटल होता है बिग बॉस। तो ये तमाशा कहाँ से आ गया? मतलब हमारे यहाँ इतनी व्यूवरशिप नहीं है इस तरह के शोज़ की ना। ज़्यादातर प्रेफर करते हैं बिग बॉस को ही देखना। मतलब जब बिग बॉस शुरू होता है तो ऑलमोस्ट जो लोग देखते हैं उनके घरों में चल रहा होता है। तो देखते हैं क्या सीन है। सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो। 3, 2, 1, 9। पाकिस्तान कॉपी कैट तो है ही, रंडुवा, रंडुवा, अब बिग बॉस का कॉपी बना दिया तमाशा। इतना तमाशा होता ही नहीं। एक बात समझ में नहीं आई यार, ये तमाशा बनाने की लोड क्या थी? पाकिस्तान का तो खुद तमाशा बना रहता है हर टाइम। तमाशा क्या लगा रखा है? बिग बॉस की जगह बिग लॉस ही रख लेते। इसकी वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान में तो आए दिन कुछ ना कुछ लॉस ही होता है। आज भी ठेले पे खड़े होकर चने खा लेता हूँ, हलीम खा लेता हूँ, चाय पी लेता हूँ। जी बहुत नाजुक सूरत हाल है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो। यहाँ कितने रियलिटी शो चल रहे हैं? एक ही तो है वो भी है। अरे सलमान खान के बर्थडे पर फूंक मारी हुई मोमबत्ती, ये तो बता तुम्हारा ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा तमाशा किसके सपोर्ट से चल रहा है? अब आखिर पैसे तो हम नहीं देने हैं। इनके सपोर्ट से हम आप तक इतना बड़ा शो लेकर आए हैं। इनके सपोर्ट से कट ओवर एक्टिंग की वजह से पाकिस्तान में बिग ब्रदर का नाम है तमाशा। ओके, तो बिग ब्रदर ही है। साबित करना चाहता है तू? अच्छा आप सबको बता दूं, जो ये भुजी हुई मोमबत्ती है ये अपने आप को समझता है सलमान खान। ऐसे लग रहा है जैसे सलमान खान को पिछले 75 सालों से खाना नहीं मिला हो। कोई इंडिया से अपने एक फैन की बात बताऊं? हैं, और वो भी इस मोमबत्ती के, और उससे भी बड़ी बात इंडिया में। बकौल उनके पाकिस्तान का तमाशा इनके बिग बॉस से ज्यादा अच्छा है। इसका जवाब लीजेंड देंगे। इसको बिग बॉस से पहले दफा नाम सुने क्या? ये शो का जितना प्राइस मनी है ना, बिग बॉस में एक हफ्ते का राशन आता है। भयंकर वाला। आगे सवाल, कैसी लगी तमाशा सीजन 3? बड़ा सीजन 3 है। अबे प्रेजेंट में रहना, फ्यूचर में क्यों जा रहा है? पहले लंबी लंबी हाँकते हैं फिर भाग जाते हैं। 50 दिन नहीं होंगे बल्कि पूरे 60 दिन का तमाशा होगा। ओहो मुबारक हो, बादशाह सलामत ने 60 दिन के खाने का इंतजाम कर दिया है सीजन 3 के लिए। बाजार गर्म है। वैसे मैं आपको बता दूं, सीजन 1 सिर्फ 40 डेज का था और सीजन 2 50 डेज का। अच्छा। और ये बराबरी करेंगे बिग बॉस की। तमाशे का घर और बिग बॉस का एक रूम बराबर है। वैसे कुछ भी हो भाई, पाकिस्तानियों की तरक्की हो तो इस तमाशा जैसी। 1 साल में 10 दिन एक्स्ट्रा खाने का जुगाड़ कर लेते हैं, और क्या चाहिए पाकिस्तानियों को? किस एंगल से ये बादशाह सलामत लग रहा है? मैं तो यही कहूंगी, इस घर में जितने भी है उनको इसकी सेहत की सलामती की दुआ करो। बादशाह सलामत, क्योंकि ये बादशाह सलामत मैं ही हूँ। अच्छा, मैं नहीं मानता। मेरी जबान साथ नहीं दे रही। जुबान तुम्हारा साथ नहीं दे रही तो तुम जुबान का साथ मत दो, फेंक दो काट के। टमाटर है हमारे पास? नहीं, टमाटर छोटा है भाई। टमाटर तो पूरे पाकिस्तान में ही नहीं है। फिर भी मैं शहबाज शरीफ को बोलती हूँ, वो दुआ करेगा तुम सबके लिए। कहीं से सस्ते मिल जाए और टमाटर आ जाए। मुझे सूजी और सेवैया चाहिए। सुझाने वाली सूजी तो हम दे देंगे भाई, लेकिन ये सेवैया अपनी देख लेना। भाई वाह भाई वाह। क्या वाह भाई वाह, जो तुम्हारी कुत्ते खानी हो रही है वो भी तो बता। अभी नहीं बताऊंगा। कभी बता दे, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ। कौन? यो यो गिट्टू भाई। कैसा बादशाह है? काहे का बादशाह है जब कोई इसके कुछ सुनता ही नहीं। क्या बादशाह बनेगा रे तू? कुछ नहीं, गजब बेइज्जती है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो सेट लास्ट में हमने जो देखा है
यार कितना छोटा सा है, मतलब सीरियसली मेरे ख्याल में जितना बिग बॉस का वो लिविंग रूम होता है ना, जिसमें ये वो डाइनिंग वगैरह करते हैं और किचन है, उतना ये पूरा घर ही है। अब देखो ना, ये छोटे से हिस्से में एक लिविंग रूम भी है, पीछे छोटा सा किचन है, उसी के साथ छोटा सा डाइनिंग रूम है, और मेरे ख्याल में दो कमरे होंगे तो बस ख़त्म ख़त्म कहानी। और मुझे पता ही नहीं था सीज़न 3 चल रहे, मतलब पहले 2 सीज़न कब आए थे। और बिग ब्रदर का एडेप्शन है, और बिग ब्रदर ही मतलब उनके परमिशन दी है इनको, तो यार दे ही रहे थे तो कुछ है कोई अजीब सा कर लेते, नाम सिमिलर रखते। ये तमाशा क्या होता है, तमाशा खेल तमाशा, और अजीब सा वो कहते हैं ना टाइटल सॉन्ग अजीब सा था। और फिर मतलब अगर अदनान सिद्दीकी जो है उसी को इन्होंने काइंड ऑफ बिग बॉस बनाना था, बादशाह सलामत क्या कहें यार, तो इतना फ्रैंक कैसे हो सकते हैं कंटेस्टेंट, मतलब गरजदार आवाज़ होनी चाहिए थी, और मतलब ज़रा स्ट्रिक्ट सा लहजा होना चाहिए था, हंसी मजाक भी होना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट कंटेस्टेंट की फटे तो सही। ये क्या है ये मतलब वो खड़ा हुआ है सामने, गप लगा रहे हैं लोग, हैं मैं नहीं खेलता मैं जा रहा हूँ। बहरहाल अजीब ही बनाया। और ए आर वाई, क्योंकि मैं देखता नहीं हूँ इसलिए मुझे बिल्कुल नहीं पता, मैं ए आर वाई का कोई शो ही नहीं देखता, ना न्यूज़ ना ही कोई शो। हाँ इस पे एक शो आया था काफ़ी टाइम पहले, शायद 2 ढाई साल पहले, मेरे पास तुम हो, वो काफ़ी हिट गया था शो, उसकी उसकी स्टोरी भी बड़ी अच्छी थी, बस एंडिंग फजूल थी, मतलब एक बेवफा औरत के चक्कर में बंदे ने अपनी जान दे दी है, लाइक मूव ऑन करना सीख भाई। तो ये था जी तमाशा, इंतहाई सस्ती कॉपी लग रही थी। आप किस बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, सी यू गाइस।